अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक ही हो गए इंशाल्लाह, और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और मैं अरबी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। देख लीजिए, भगोने में ऑयल डाल रखा है और उसके बाद प्याज फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं अरबी डालूँगी इसमें। अरबी में फ्राई करके नहीं डालती मैं, वैसी ही बनाती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है ऐसे भी अरबी, कैसे भी बना लो, पर अच्छी लगती है अरबी की सब्ज़ी। मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है अरबी की सब्ज़ी। और यहाँ देखिए, मैंने प्याज फ्राई कर ली है। अब इसमें सारे सूखे मसाले डाल दूँगी, जो भी है, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, सब कुछ डाल के फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं ऐसी भून लूँगी अरबी, और भूनने के बाद बहुत टेस्टी बनती है। किसी चीज़ के भी साथ खाइए, पराठे के, पूड़ी के, किसी चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है अरबी की सब्ज़ी। मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है, बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको पसंद है। यहाँ पे मैं सारे सूखे मसाले डाल दूँगी, मिर्च डाल रही हूँ, उसके बाद धनिया पाउडर और हल्दी, सब कुछ इसमें डालकर फ्राई कर लूँगी। उसके बाद अरबी डाल दूँगी, और मैं तैयार कर आपको दिखाती हूँ अरबी की सब्ज़ी। अच्छी तरीके से भूनूंगी अरबी को मसाले के साथ। ये देखिए, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर मसाले के साथ खूब अच्छी तरीके से भून लूँगी। उसके बाद में बहुत टेस्टी लगी थी ये तो, सब मैंने पराठे के साथ बनाई थी, बहुत टेस्टी लगी थी। और मैं ऐसे भी काट लेती हूँ, और लंबे लंबे वाली जो होती हैं वो भी काट लेती हूँ। कैसी भी बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है अरबी की सब्ज़ी तो। Thank you.
पर मैंने आटा लगा कर रख दिया है और देखिए मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई और मैंने पूड़ियों का आटा लगाया था, पूड़ी बनाई थी। ये देखिए यहाँ सब्ज़ी तैयार हो गई। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट्स कर देना। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।